राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ इंटुक संगठन की ओर से राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की चंद्रपुर वनी आर्नी निर्वाचन क्षेत्र की नवनिर्वाचित सांसद प्रतिभा धानोरकर की भारी मतों से विजय होने पर सम्मानित किया गया है। इंटुक संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता हमेशा से ही कांग्रेस से जुड़े हैं। चंद्रपुर वनी आर्नी निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ इंटुक संगठन ने लोकसभा चुनाव में पूरी शिद्दत के साथ कांग्रेस के प्रत्याशी सांसद प्रतिभा धानोरकर के चुनावी प्रचार हेतु अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, जिसके चुनावी परिणाम में सांसद धानोरकर रिकॉर्ड ब्रेक मतों से चुनाव जीत गई। इंटुक के राष्ट्रीय महामंत्री के सिंह ने राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ इंटुक के कार्यकर्ताओं को जीत का एहसास दिलाने के लिए सांसद प्रतिभा धानोरकर के सम्मान में समारोह का आयोजन दुर्गापुर स्थित सद्भावना भवन में आयोजित किया। कांग्रेस के पूर्व विधायक एसक्यू जमा ने भी अपने संबोधन में इंटुक और कांग्रेस के रिश्ते कैसे मजबूत है इस पर रोशनी डाली। उन्होंने अपने उद्बोधन में कोयला कामगारों की समस्याएं और मोदी सरकार की विफलता पर जमकर निशाना साधा। इसके उपरांत शाल श्रीफल देकर और गुलदस्ता देकर एसक्यू जमा, के सिंह, गंगाधर रेवतकर, आर शंकर दास ने सांसद प्रतिभा धानोरकर यथोचित सम्मान किया एवं नेहा अजय सिंह ने पुष्पगुच्छ हार से स्वागत किया। सम्मान में विभूषित होकर सांसद प्रतिभा सुरेश धानोरकर ने अपने संबोधन में कोयला मजदूर, किसान, महिलाओं और सभी जनमानस का उनको भारी बहुमतों से जीत दिलाने का आभार मानते हुए विकास को गति देना और उनके जनमानस के साथ सदैव खड़े रहने का आश्वासन दिया है। राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ इंटुक संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री के सिंह ने अपने उद्बोधन में कोयला कामगारों की समस्याओं को सांसद प्रतिभा धानोरकर के समक्ष प्रस्तुत किया है, जैसे कि ठेकेदारों द्वारा खदान के आसपास के रहवासियों को काम पर लेना और उसके लिए प्रशिक्षण का इंतजाम और प्रशिक्षित लोगों को काम पर लेना, दुर्गापुर ओपन कास्ट बंद ना होना, इसका प्रयास करना एवं बंद खदाने पुनः शुरू करना, अपने संसदीय क्षेत्र में 5 कोयला क्षेत्र में कामगार की समस्या का हल निकालना, भूधारकों की भूमि का मुआवजा बढ़ाना, भूधारकों को उसी क्षेत्र में जहां उनकी जमीन गई है वही रोजगार दिलाना। इस सम्मान समारोह के अवसर पर भारी बारिश में बड़ी संख्या में कोयला मजदूर एवं उनके परिवार के सदस्य महिला कामगार विशेष रूप से उपस्थित थी। समारोह में विशेष रूप से पूर्व सांसद स्वर्गीय बालू धानोरकर और सांसद प्रतिभा धानोरकर के साथ इंटुक के गहरे रिश्ते बयां कर रहे थे। त्या ठिकाणी आपले आमदार असतील, आपले जे लोकप्रतिनिधी असतील त्यांच्या सोबत जाऊन आपण स्थानिक विषय त्यांच्याशी डिस्कस करून जेवढे विषय त्या ठिकाणी मार्गी लावता येईल ते लावण्याचा नक्की त्या ठिकाणी प्रयत्न मी करेल। आणि आजच मी या ठिकाणी सांगते की ज्या पद्धतीने इंटकच्या सगळ्या लोकांनी म्हणजे जवळपास 5 युनियन आपल्या या ठिकाणी आहे, इंटक, आयटक, HMS आहे आणि सगळ्यास एक युनियन सोडलेली बरी, कारण ते कधीही काँग्रेसच्या फेवरची राहत नाही, त्याच्यामुळे 4 युनियन आहे या ठिकाणी आणि प्रामुख्याने इंटकचे सगळे पदाधिकारी सगळ्याच काँग्रेसच्या, म्हणजे खरं तर आम्ही स्वतःला भाग्यवान समजलं पाहिजे की महाराष्ट्रात 48 आपण त्या ठिकाणी केली पाहिजे, तेव्हा CMD साहेब हे या सगळ्या विषयावर अतिशय सकारात्मक असे होते आणि त्यांनी सांगितलं की तुमचे जे जे ज्या ज्या माइंडचे विषय असतील तुम्ही तिच्या तिच्या सगळ्या AGM सोबत डिस्कस करा, त्यांच्या लेवलचे जे विषय असतील ते सोडवतील, मी तसे आदेश त्यांना देतो आणि जे विषय सोडवण्याचे अधिकार त्या AGMला नसतील ते विषय सगळे माझ्याकडे रेफर करायला सांगा, मला जेवढं सहकार्य तुमच्या या सगळ्या विषयात करता येईल ते करण्याचा प्रयत्न मी नक्की या ठिकाणी करेल। आणि तेव्हाच मी त्या ठिकाणी सांगितलं की माझ्या पूर्ण लोकसभा क्षेत्रात म्हणजे या 6 विधानसभा तर आहे पण 4 विधानसभा इकडच्या आणि 2 विधानसभा वणी आणि आर्णीची, तर प्रत्येक ठिकाणचे माझे इंटकचे जे काही सहकारी पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते आहे त्यांच्या सगळ्यांच्या सोबत जाऊन, कारण बऱ्यापैकी सगळ्या माइंडचे WCLचे विषय हे इंटकच्या लोकांना माहीत असते, लोकल लेवलवरती त्यांनी काम केलेलं असते आणि मी त्या दिवशीच आम्ही गेल्यानंतर शेगावकर साहेबांनी आम्ही डिस्कस केलं की आम्ही के भैयाच्या माध्यमातून बल्लारशाचा विषय आहे, सास्ती गौरीचा विषय असतील, माद्रीचा विषय आहे, वनीचा आहे, भांदेवाड्याचा, प्रत्येक माइंडचे जे आपले काम करणारे इंटकचे। चंद्रपूर से BCN न्यूज के लिए सुनील तायडे की रिपोर्ट।